दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा को महान कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मुकाबले के लिए वीरेंद्र सहवाग ने बेहद अनोखी प्लेइंग 11 तैयार की है। जी हाँ, उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जिसे सुनने के बाद आपको यकीन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने उमरान मलिक को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया है। आखिरकार उन्होंने 11 खतरनाक खिलाड़ियों को सहवाग ने दे दी है अपनी प्लेइंग 11 में जगह। उसे जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा में से खतरनाक ओपनर बस कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वेस्टइंडीज टीम T20 मुकाबलों में बेहद खतरनाक है, उन्हें हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसलिए BCCI ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मुकाबलों में सीनियर खिलाड़ियों को भी शामिल किया है। हालांकि जिस तरीके से वीरेंद्र सहवाग ने पहले T20 मुकाबलों के लिए अपनी टीम तैयार की है वो काफी दिलचस्प है। आपको बता दें कि वीरेंद्र सहवाग ने अपनी प्लेइंग 11 में ओपनिंग की जिम्मेदारी नए कप्तान KL राहुल के साथ ईशान किशन को दी है। इन दोनों ही खिलाड़ियों से सहवाग को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। पिछले काफी समय से क्रिकेट से दूर रहने वाले राहुल इस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। और सभी भारतीय प्रशंसक यही कहेंगे कि T20 विश्व कप से पहले राहुल दमदार वापसी कर लें। इस नंबर 3 पर वीरेंद्र सहवाग ने दीपक हुड्डा को मौका दिया है। जी हां, आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी धमाका करने वाले दीपक हुड्डा को एक बार फिर से टीम इंडिया में नंबर 3 की जिम्मेदारी मिली है। पिछली पारियों में जितनी बार उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन करके दिखाया और वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मुकाबलों में भी उनसे यही उम्मीद होगी। नंबर 4 पर सहवाग ने भारत के मिस्टर 360 डिग्री कहे जाने वाले सूर्य कुमार यादव को मौका दिया है। जब से सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम के लिए अपना डेब्यू कर चुके हैं तब से इस खिलाड़ी ने दमदार खेल दिखाया है। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 मुकाबले में शतक लगाकर इन्होंने सनसनी मचा दी थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ अगर उनका बल्ला चल गया तो भारतीय टीम को रोकना कैरिबियाई टीम के बिल्कुल भी आसान उनके लिए नहीं होने वाला है। ऐसे में डांगरी यही चाहेंगे कि सूर्य का बल्ला चले। दोस्तों नंबर 5 पर विकेट कीपर की भूमिका में ऋषभ पंत नजर आने वाले हैं। जी हां, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी एक दिवसीय मुकाबले में शतक लगाकर भारत को श्रृंखला जिताने वाले ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 मुकाबले में धूम मचाने के लिए तैयार होंगे। अब तक ऋषभ पंत ने T20 में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है, ऐसे में वो वेस्टइंडीज के खिलाफ ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना चाहेंगे। पंत के बाद ऑलराउंडर की भूमिका में हार्दिक पांड्या के साथ रविंद्र जडेजा नजर आने वाले हैं। जी हां, इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अब तक निचले क्रम में टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हार्दिक ने तो मध्य क्रम में भी शानदार बल्लेबाजी की है, इसी के साथ उन्होंने गेंदबाजी में भी जबरदस्त योगदान दिया है। ये दोनों ही खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं और वीरेंद्र सहवाग यही चाहेंगे कि वेस्टइंडीज के खिलाफ भी ये दोनों अपनी ऑलराउंड फॉर्म को बरकरार रखें। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी सहवाग ने युजवेंद्र चहल के कंधों पर रखी है। जी हां, IPL के बाद भारतीय टीम के लिए भी चहल का प्रदर्शन शानदार रहा है और वो वेस्टइंडीज के खिलाफ भी अपनी खतरनाक फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे। इसी के साथ तेज गेंदबाजों की भूमिका में भुवनेश्वर कुमार के साथ जसप्रीत बुमराह और हर्षदीप सिंह नजर आने वाले हैं। इन तीनों ही गेंदबाजों ने अपने अब तक भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया है। दोस्तों वीरेंद्र सहवाग की ये प्लेइंग 11 बेहद ही खतरनाक है, ऐसे में भारतीय प्रशंसकों को यही उम्मीद होगी कि टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मुकाबलों की T20 श्रृंखला अपने नाम करे। तो वहीं पर आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत वनडे की तरह T20 मुकाबले में भी शतक जड़ पाएंगे या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।